खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। अगर आप भी देना चाहते हैं कोई खबर या जानकारी तो इन नंबरों पर करें संपर्क। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के अवसर पर समाज कल्याण विभाग ने उरई मुख्यालय के राठ में वृद्धाश्रम में कार्यक्रम आयोजित किए। सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा और जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन वृद्धाश्रम पहुंचे। वृद्धजनों के साथ वहां रह रहे लोगों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर वृद्धजनों को फल, महिलाओं को साड़ी, पुरुषों को कुर्ता पैजामा के साथ मिठाई भेंट की गई। कार्यक्रम में सदर विधायक ने कहा कि सभी लोग बच्चों में अच्छे संस्कार दें, जिससे ऐसे वृद्धाश्रम की आवश्यकता ही न पड़े। उन्होंने सभी वृद्धजनों को शुभकामना देते हुए समाज के लोगों से ऐसे लोगों की सेवा करने का आह्वान किया। वहीं जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन वृद्धजनों को संबोधित करते हुए भावुक हो गईं और उन्होंने सभी बुजुर्गों से आशीर्वाद मांगा और वादा किया वो अब से हर महीने वृद्धाश्रम के बीच अपना एक दिन व्यतीत करेंगी। क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस है, ये अवसर है कि हम अपने जीवन में बुजुर्गों की भूमिका और उनका सम्मान ध्यान रखना है। इसको अपने एक विभाग के जो वर्तमान में भारतीय संस्कृति नहीं है वृद्धाश्रम बनाने के लिए, आज भी हम देख रहे हैं कि समाज में बहुत सारे वृद्धाश्रम है जहाँ हमारे बुजुर्ग आके रह रहे हैं, तो हमें इसके प्रति लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है कि हम अपने बुजुर्गों ने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो हम उनको सम्मान दें और उन्हें घरों में सम्मानपूर्वक रखें, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखें। और आज वृद्धाश्रम में भी अभी प्रशासन की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया है कि यदि वृद्धाश्रम में किसी प्रकार की कोई समस्या है, उनकी कोई जरूरत है, तो उसको हम ध्यान रखें, समस्याओं को दूर करें। सब्सक्राइब करें एबी न्यूज इंडिया के यूट्यूब चैनल को, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल अपडेट।